मोदी सरकार के पिछले 10 सालों में भारत की आर्थिक प्रगति की मुरीद पूरी दुनिया हो रही है। आए दिन नए नए रिकॉर्ड बना रहा भारत का शेयर मार्केट भी इसकी गवाही दे रहा है। मोदी सरकार में एक ओर जहां भारत की अर्थव्यवस्था ने 10वें से 5वें स्थान का ऐतिहासिक सफर तय किया है, तो वहीं दूसरी ओर भारत का शेयर मार्केट ब्रिटेन, फ्रांस और हांगकांग को पछाड़ते हुए दुनिया का चौथा सबसे बड़ा शेयर मार्केट बन चुका है। 2014 में जो भारत का शेयर मार्केट कैप मात्र 1.5 ट्रिलियन डॉलर का था, वो दिसंबर 2023 में बढ़कर 4.2 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है और मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में शेयर मार्केट कैप 5.45 ट्रिलियन डॉलर के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गया है। इसके अलावा भारत 2023 में सबसे ज्यादा आईपीओ लाने वाला देश भी बना। डिफेंस, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, एग्रीकल्चर, हर सेक्टर में आत्मनिर्भर बन रहा भारत आज रिकॉर्ड निर्यात कर रहा है और आईएमएफ सहित दुनिया भर की अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में अनुमान ये साबित कर रहे हैं कि मोदी सरकार में भारत कितनी तेजी के साथ दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर आगे बढ़ रहा है।